जी आइए पंडित जी। प्रणाम माजीशा। प्रणाम बिराजी। माखन जाके भींदणी को बोल दे पंडित जी के लिए बढ़िया सा नाश्ता भिजवाए। आपको बहुत जरूरी काम से बुलवा भेजा पंडित जी। हुकुम माजी। आप तक जे सूचना तो पहुंच ही गई होगी कि हमारा बसंत कुलदीपक लेके आने वाला है। बड़ी कृपा रही देवी माँ की कि हमारी बरसों की पुकार और हाजिरी स्वीकार की उन्होंने। वैसे पंडित जी हमारा आने वाला पोता जुग जुग जिए, पर इस बार में कोई खतरा ना उठाने वाली। हमारी मनसा है कि आप कल से ही महामृत्युंजय का पाठ करवाना शुरू कर दो। अब से लेकर बच्चा पैदा होने तक एक क्षण भी जे पाठ नहीं रुकना चाहिए। जब तक हमारा पोता सही सलामत हमारे हाथों में ना आ जावे, मैं तो भगवान को भी चैन की सांस न लेने दूंगी। हाँ, तो अभी तो आप जे 60,000 संभाल लो, और पैसे सामग्री की तो आप चिंता ही मत करो। अभी इतने पैसे रख लो, दुनिया के जिस कोने से जो चीज मंगानी है मंगा लो। तो अब जे बताओ आप कि पाठ कब से शुरू कर रहे हो? कल सुबह का मुहूर्त देख करके मैं पाठ शुरू करा देता हूँ। सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। पंडित जी आप नाश्ता रोगो। देख सुमित्रा, जितना हमारे हाथ में है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी तू भी थोड़ी अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठा ले। गहना का पल पल ध्यान रख, कै खाना है कै नहीं, कैसे उठना बैठना है सब अच्छी तरह समझा दीजो उसे। और आसपास के गांव में पूछ बच्चा जड़ी लुगाइयों से कि है कोई अच्छी दाई। जी मासा। और सुन, दुनिया में दाइयों का अकाल पड़ा हो तो भी भूल के भी ना बुलाना उस मीठी दाई को गहना के जापे के लिए। उस मनोज का तो साया भी ना पड़ना चाहिए बीदड़ी के पेट में पल रहे हमारे पोते पर, समझी? 15 × 15, 15 × 30, 30 × 45, 64, 5 × 75, 6 × 9, 7 × 5, 8 × 9, 35 दबा के 150। भाभी ये क्या बड़बड़ा रही हो, क्या कर रही हो? दादी सा ने मुझे चावल बीनने को कहा है और इसके साथ मैं पहाड़े भी याद कर रही हूँ। वो क्या है ना, मैं रोज ना बोलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी ना। लाओ इसे मैं कर देती हूँ, तुम जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा सर ये तो देखो। अरे वाह, कितना सुंदर मफलर पहना है इसने, है ना? मैं प्रताप के लिए बिल्कुल ऐसा ही मफलर बनाना चाहती हूँ। उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है ना, देखो ना ये उन पर बहुत जचेगा ना। हाँ जीजी, नंदोई साहब पर ये बहुत फुतरा लगेगा, और उन्हें कह देना कि नीली कमीज पर ही इसे लपेटे। नहीं नीली पर नहीं, फिर तो सबको नीला नीला हो जाएगा। पीली या धोली पर लपेटे। पहले बने तो दो, मैं इसे रसोई में रख के आती हूँ और तुम जाओ जाके पढ़ाई करो। जी जी, हम कल बाजार में जाकर नीले रंग का ऊन लेकर आएंगे। Thank you.
में दही जमा रखा था क्या? अरे मसाले को हाथ लगाने से पहले बताया क्यों ना मैंने? और तू बड़ी जल्दी सूझी थारे को मारे पे कृपा करने की, सो रही थी क्या? बताया क्यों ना मारे को पहले ही? बस वो आप हरे घर में जो होवे है सबसे बाद में मारे को पता चले। अरे अक्कड़ के दुश्मन, अगर गहना जे दूसरे तचार खा लेती तो अनर्थ हो जाता। हमारे आने वाले पोती की किसी को परवाह ना है। और ऊपर से इतनी सारी कैरियों और मसाले की बर्बादी। हे अन्नदाता क्षमा कर दे। क्या नाम है? अरे छतर सिंह। ओ छतर सिंह जी हुकुम। ये सारा सामान उठा और फेंका हवेली के बाहर, सब खराब हो गया। इतने चाव से अपनी बड़ी बींदनी के लिए अचार डालने की सोची थी मैंने। हमारे बसंत की घरवाली पेट से है, पर तू सुमित्रा और ये छोरी। अरे अब तू छोटी ना रही, बड़ी हो गई है तू। हाँ कुछ तो ढंग के लक्षण सीख ले। थारी माँ ने तो तने सिखाया ना कुछ, तो रही भेज दिया, सासरे वालों के मत्थे मर दिया। और थारी सासू माँ, इसे भी कुछ परवाह ना है थारे को सिखाने की। पर मारे रहते इस घर में जे तो ना होने वाला भाया। हाँ अब कान खोल के सुन, इन दिनों में रसोई और पूजा घर दोनों से दूर ही रहना। अपने कमरे में अकेली पड़ी रहे। हाँ और नीचे सो जमीन पे। दादी सब जमीन पर क्यों? जैसा बोला जावे कर छोरी। हाँ जब देखो हर बात पे सवाल दाग देवे है। अब जो बोलू हूँ करेगी कि ना? मासा आनंदी को तो। अब तू बीच में मत बोल बिंदड़ी। थारी हालत में थारे पे चिल्लाना या गुस्सा करने की मनसा ना है मारी। तू बस अपना और मारे होने वाले पोते का ध्यान रख बस। और तू सुमित्रा, अब तक तो कुछ सिखाया ना छोरी को, तो अब इसे भली तरह सिखा दे। और कोई बोरी या कोई चटाई बिछवा देना इसके कमरे में। जी बस। चटाई पे दादी साहब, रसोई में भी नहीं जाना, पूजा घर में भी नहीं, अपने कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना। तो मैं पूरा दिन कमरे में करूंगी क्या? कोई काम भी नहीं कर सकती। ना ना ना, हमारी माँ हमारे पे उपकार कर। किसी चीज को मत छूना, घर वालों में से किसी के पास मत जाना, ध्यान रहे कोई थारे पास फटके भी ना, कोई थारे को छुए भी ना। और किताब पढ़ने का शौक है ना थारे को, तो जा आंखें गड़ा दे जाके किताब में, पर कमरे से बाहर मत निकलना। अरे देवी माँ, स्नान करके पूजा पाठ निपटा के धूप तापने की सोची थी मैंने, छोरी को छू लिया, फिर से स्नान करना पड़ेगा।